एक बार राम जी के भक्त और कृष्ण जी के भक्त में झगड़ा हो गया। एक भक्त था वृंदावन का, एक भक्त था अयोध्या का। वृंदावन का भक्त तो कृष्ण की पूजा करता और अयोध्या का भक्त तो राम जी की पूजा करता। अयोध्या का भक्त तो राम की तरह सीधा था और कृष्ण के भक्त तो कृष्ण की तरह टेढ़े। तो कृष्ण जी का भक्त राम जी के भक्त से बोला, सुनो तुम अपने भगवान छोड़ दो। क्यों? तुम्हारे भगवान राम जी का भक्त जो था ना, उसने कृष्ण जी के भक्त को कहा, सुनो तुम्हारे भगवान छोड़ दो। क्यों? तुम्हारे भगवान टेढ़े हैं। अच्छा, टेढ़े हैं तो नुकसान क्या है? भगवान तो भगवान, टेढ़े हो सीधे हो। अयोध्या वाले भक्त ने कहा, सुनो तुम्हारे कृष्ण जी टेढ़े हैं, हमारे राम जी बढ़िया सीधे साधे, उन पर कोई उंगली नहीं उठाता। तुम्हारे भगवान पर लोग उंगलियां उठाते रहते हैं। क्यों? भगवान ने रास रचाया, क्यों भगवान ने गोपियों के वस्त्र चुराए, क्यों भगवान मैदान छोड़ के भागे, भगवान पर लोग उंगलियां उठाते रहते हैं। हमारे राम जी बढ़िया सीधे साधे हैं, एकदम सीधा। तो राम जी का भक्त बोला कृष्ण जी के भक्त से, तुम हमारी टीम में सम्मिलित हो जाओ, राम उपासक बन जाओ, कृष्ण जी को छोड़ दो। वो रोज मिले तो रोज यही कहे, तुम्हारे भगवान टेढ़े हैं। देखो मंदिर में बिहारी जी खड़े, वो भी टेढ़े, हर मंदिर में कृष्ण जी और राम जी, हर मंदिर में सीधे। अब वो सुन सुन के परेशान होने लगा। उसने एक दिन जाकर बिहारी जी से कहा, क्या जरूरत थी टेढ़े खड़े होने की, सीधे नहीं हो सकते हो? हाँ, वो राम जी सीधे खड़े हैं, वो ताने रोज मारता है कि हमारे भगवान सीधे और तुम्हारे टेढ़े हैं। उसने मन बना ही लिया कि मैं भी वृंदावन छोड़ के अयोध्या शिफ्ट हो जाता हूँ, वहीं राम राम जपूंगा। नाम भी अच्छा, कृष्ण का नाम भी टेढ़ा है, काम है देखो ना, टेढ़ापन है। कृष्ण कृष्ण जल्दी से निकलता नहीं है, शुद्ध तो कृष्ण है, बड़ा कृष्ण, पर लोग ना भगवान का नाम भी कुछ लोग कुछ क्या 80% लोग कृष्ण का नाम गलत बोलते हैं। जल्दी जल्दी में हम ही बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कृष्ण, ना नहीं है कृष्ण, रा है कृष्ण कृष्ण। तो भगवान कृष्ण का नाम ऐसा ही है कि शुद्ध भी नहीं लिया जाता, टेढ़ा है कृष्ण। और बोलते सब सामान्य भाषा में श्री कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ना निकलता है, जबकि कृष्ण। चलिए कोई बात नहीं, आप गंभीरता से ना लीजिए इन बातों को, क्योंकि भगवान का नाम तो सब ठीक है, हर शब्द ब्रह्म सूचक है ना। इसलिए भगवान श्री राम की टीम में वो जाने लगा, अब मैं जा रहा हूं वृंदावन छोड़ के सदा सदा के लिए, अब मेरे राम की पूजा करूंगा, कृष्ण तो टेढ़े हैं। जब जाने लगा तो भगवान कृष्ण छोटे से बालक बन करके आए और बालक बन के बोले, बाबा बाबा कहाँ जा रहे हो? बाबा बोले, मैं वृंदावन छोड़ के अयोध्या जा रहा हूँ, राम जी की पूजा करूंगा, कृष्ण जी टेढ़े हैं। तो छोटे से बालक ने कहा, बाबा मेरी बाल्टी कुएं में गिर गई है, एक बाल्टी निकलवा दो। बाबा जी को लगा बच्चा है, चलो इसकी मदद करते हैं। तो वो बालक जो था ना, सीधा सरिया डाल रहा था, सीधा सरिया में रस्सी बांधा और सीधा सरिया कुआं में डाल रहा बाल्टी निकालने के लिए। तो बाबा ने कहा, बेटा सीधा सरिया डालोगे बाल्टी नहीं निकलेगी, फिर कैसे निकलेगी? बोले, सरिया को टेढ़ा करो, जब सरिया को टेढ़ा करोगे तो बाल्टी फंस के आ जाएगी। बालक ने सरिया टेढ़ा किया, डाला तो सचमुच बाल्टी आ गई। अब बाबा जाने लगे तो बच्चे ने कहा, बाबा अभी भी तुम ना समझे का, अभी भी तुम समझे नहीं क्या? बाबा बोले, बेटा तू का समझानो चाहे, मोको बताइयो तो सही। छोटे से बालक ने कही, बाबा तो को मैं जाई समझावो चाहूं कि जैसे सीधी सरिया बाल्टी को ना निकाल सकी, पर सरिया टेढ़ी है गई तो बाल्टी ऊपर आए गई। अरे सरिया जब तक टेढ़ी ना भई तब तक बाल्टी ऊपर नहीं आई, तो ये भवसागर में गिरे हुए लोग बिना टेढ़े कन्हैया के पार कैसे आवेंगे, पार कैसे लगेंगे?
जैसे बाल्टी को कुएं से निकालने के लिए सरिया को टेढ़ा करना पड़ता है, ऐसे भव के कुएं में गिरे हुए प्राणी को पार लगाने के लिए भगवान को टेढ़ा बन के आना ही पड़ा, क्योंकि पता था तेना परहि भव कूपा, संसार एक कुआ है और इस कुएं में हम सभी गिरे हुए प्राणी हैं और हम गिरे हुए प्राणियों को बचाने के लिए भगवान टेढ़े बनकर आए, है ना। तो भगवान टेढ़े हैं, कृष्ण टेढ़े हैं, इसलिए आप कभी ये अंतर ना समझिएगा कि राम और कृष्ण में। हाँ, चाहे राम कहो या कृष्ण कहो, दोनों का मतलब एक ही है। चाहे राम कहो या कृष्ण कहो, दोनों का मतलब एक ही है। तो एक ही मतलब है, पानी को पानी कहो, नीर कहो, जल कहो, पर्यायवाची है। ऐसे ही राम वही है, कृष्ण वही है, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेश, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। कहने का तात्पर्य यह है, भगवान तो भक्तों को आनंदित करने के लिए टेढ़े बनकर आए हैं।